ओ क्या हो गया तुझे? पुराना खाना तो नहीं खा लिया कहीं? ओए खोत्या, इसका पेट नहीं खराब, तू बाप बनने वाला है। जय मां गुरुदी। बेबे तू सच कह रही है? तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो गई है, जिंदा रहे मेरा पुत्र। बेबे 10 बेटों का मुंह देखे, मैं तो पिंड जा रही हूं मिठाई बंडन। हां वाह भी वाह, पिंड जा रही। ओ ये बेबे सही कह रही है? बेबे कह रही है कि तू मां बनने वाली है? मां बनने की मेरी चूती, मैं इसे भी मार डालूंगी। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुझे हाजिर कर दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे मार के भाग जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? हाँ कहाँ जाएगी? पाकिस्तान, मैं अपने पाकिस्तान जाऊंगी। वहां तो तू सिर्फ मर के ही जाएगी, वहां तो मैं जीते जी ही जाऊंगी। अपने वतन की पाक मिट्टी को आंखों से लगाए बगैर मैं नहीं मरूंगी। कोई मुंह भी नहीं लगाएगा तुझे वहां, थूकेगा भी नहीं तेरे पे। मुझे मुंह नहीं लगा, तू नहीं जानता मैं अपनी कौम की हथेली का वो छाला हूँ जिसे वो संभाल के रखेंगे ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। मैं मोहम्मद गौरी का वो खून आलू थूकता हूँ जिसने उसे तब तक नहीं उतारा था जब तक उसने जयपाल से बदला नहीं लिया। तो मुझे सर आंखों पर बिठा के रखे, अपने सीने से लगा। पहले तो तुझे मां गले से लगाऊंगा, वो तो तुझे बाद में लगाएंगे। मुझे औलाद देने वाली है ना तू, है उसी कौम की सिख औलाद। बस अभी तक तो सिर्फ तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। अगर तूने इस बच्चे को कुछ करने की कोशिश की तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे चौराहे पे बिठा दूंगा। फिर तू जाना किसट किसट के पाकिस्तान। कैसी रही नादिर की शादी? बहुत अच्छी। और उसकी दुल्हन कैसी है? वो भी बहुत अच्छी थी। तो उससे कहो ना किसी दिन अपनी दुल्हन को लेकर हमारे यहाँ खाने पर आए। कह दूंगा, बशर्ते आप उसे देख के उदास ना। मैं क्यों उदास होने लगी? मैंने तो बेटा आप समझौता कर लिया। तो खुशी खुशी समझौता करें, इस उदासी का क्या फायदा? तुम खुश हो? अम्मा मैं बाकी बहुत खुश, मुतमईन। आप देखती नहीं मैं सुबह को दफ्तर जाता हूं, शाम को इदारे। किसी दिन आप भी मेरे साथ चले, पता है हमारी जरा सी मदद से लोगों का कितना फायदा हो सकता है। हाँ जरूर। दफ्तर से जमशेद साहब आए। चलो मैं जरूर चलिएगा, आप भी मेरी तरह अपना काम बुला के मुस्कुराने लगे। मैं भी आया। अच्छा कहता है मैं खुश। कौन था? दफ्तर से आदमी आया था।